नमस्ते एवरीबॉडी। तो पिछली बार हमने वास्तु इस पर देखा था कि घर है, कोई भी स्थल है, बागान है, बगीचे हैं, मंदिर है, ग्राम है, ये सारा जो है वो वास्तु, जमीन से रिलेटेड जो वस्तु है, भूमि से रिलेटेड, उसके ऊपर हमने देखा था। हमने देखा था कि घरों के कंस्ट्रक्शन कैसे होने चाहिए। इस तरीके से होने चाहिए कि कोई भी जो आपके नेबर्स हैं, जिनको सामंत भी कहा गया था, उनको कुछ बीच में ना आए, उनको परेशानी ना हो, उनके रस्ते अवरोध ना हो, ये सब देखकर घरों का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि अगर बाउंड्री से रिलेटेड जो विवाद हो, तो अगर बाउंड्री से रिलेटेड विवाद हो तो उनको कैसे सॉल्व करें, हु शुड बी इन्वॉल्व इन दैट। और वो हमने देखा था कि उसमें सामंत, आपके जो नेबर्स हैं, वही जो है वो बाउंड्री, आपके घर के बाउंड्रीज वगैरह से रिलेटेड जो विवाद है उसमें साक्षी बन सकते हैं, भाग ले सकते हैं और उनको निपटाने में भी सहयोगी हो सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि जब घर खरीदने, किसी को बेचना हो तो कैसे बेचे, तो उसमें हमने देखा था कि देयर इज एन ऑर्डर जिसमें आप प्रायोरिटी दे सकते हैं घर खरीदने के लिए, आपके ही कम्युनिटी का कोई हो, आपके ही नेबरहुड का कोई हो, या पैसे वाला कोई हो। तो पैसा तो होना ही चाहिए, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द मनी, बट अगर यू हैव पीपल पेइंग एंड क्लेमिंग योर होम या हु वांट टू बाय योर होम, तो कम्युनिटी नेबरहुड को आप पहले प्रेफरेंस दोगे अगर उधर वहां कोई रह रहा है तो। और कैसे बेचना है तो हमने ऑक्शन का देखा था। ऑक्शन में भी हमने देखा था कि ये जो रोहित ने भी फिर कहा था ना कि कई बार लोग क्या करते हैं, जानबूझकर अपना ही कोई रख देते हैं ऑक्शन में, ताकि जो भाव है वो बढ़ता रहे। तो इसमें कैसा था कि अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो जाए और गिवन जो प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है उससे अधिक अगर भाव बढ़ जाए, तो वो जो अधिक भाव बढ़ा हुआ है उसका फायदा जो घर बेच रहा है उसको नहीं होगा, परंतु वो सीधा राजा के पास चला जाएगा। ये भी हमने देखा था। ठीक है, फिर वहां से अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने वो गांव के विवाद के बारे में कर दिया था क्या ऑलरेडी? नहीं ना, वी डिड, कहाँ तक किया था हमने? अरे ग्राम की सीमा हमने ये किया था कि अगर अगर 7 दिन तक जो बिडर है वो लेने नहीं आए 7 दिन तक, तो फिर वापस वो घर बिक्री हो सकता है। ये सब हमने कर दिया था ना, आई थिंक दिस वी डिड लास्ट टाइम। तो वहां आगे से शुरू करते हैं, विच इज अराउंड सीमा विवाद ऑफ ग्राम। तो गांव का जो सीमा विवाद हो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसका हम आज से शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 274 पर हम पढ़ रहे थे, सीमा विवादम ग्राम ग्रामयोः उभयोः सामन्ताः पञ्चग्रामी दशग्रामी वा सेतुभिः स्थावरैः कृत्रिमैः एव कुर्यात्। कि अगर गांव का बाउंड्री को लेके दो गांव के बीच उलझन हो कि गांव की बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है या कहाँ खत्म होती है, उससे रिलेटेड हो, तो वो क्या कह रहे हैं कि आसपास के या तो 5 गांव या तो 10 गांव, वहां के जो लोग हैं, जो नेबरहुड के आसपास के गांव के 5 या 10, वो एकत्रित होंगे और निश्चय करेंगे कि या तो कोई नेचुरल बाउंड्री हो। नेचुरल बाउंड्री मतलब क्या, कोई कोई तालाब हो, कोई पहाड़ का ये हो, कोई नहर जा रही हो, तो दीज आर ऑल नेचुरल बाउंड्रीज जो पहले से है। ठीक है, तो दे वुड बी लाइक नेचुरल, जैसे भारत के लिए हिमालय इज ऑन वन साइड, वो क्लियरली एक बाउंड्री हो जाती है। तो वैसे कोई या तो नेचुरल बाउंड्री हो या फिर कृत्रिम, मतलब आर्टिफिशियली कुछ बाउंड्री फेंसिंग कर दिया गया हो, या कुछ वो हमने घरों में जैसे देखा था कि खिल्ला ठोककर बार लगाकर आप अपनी बाउंड्री निश्चित कर सकते हो, तो वैसा कुछ है कि नहीं है, कितना होना चाहिए, पहले कैसे था, तो कोई साक्षी आके बोले कि नहीं पहले हमने यहाँ तक देखा था, यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग-अलग साक्षी को लेकर नेचुरल बाउंड्री क्या है इसका जो वाद विवाद है वो सॉल्व करने के लिए आपको 5 से 10 ग्राम के जो वयोवृद्ध या माननीय पुरुष जो होंगे उनको एकत्रित करके आप कर सकते हो। अच्छा, उसमें एक बार वो निश्चय हो जाए, ठीक है, और फिर ऐसे कोई है जो जानबूझकर, या तो वो जो बाउंड्री मार्क्स, स्पेशली अगर आर्टिफिशियल बाउंड्री मार्क्स जो है उनको तबाह कर दे, उनका नाश कर दे या उनका अपहरण कर दे, ठीक है, उसको भी और एनक्रोचमेंट कर दे, तो उस मनुष्य को क्या होगा, उस मनुष्य को दंड दिया जाएगा।
और ऐसी परिस्थिति हो कि 8, 5, 10 ग्राम के लोग भी एकत्रित आकर जो बाउंड्री है उसका निर्णय ना कर सके, तो क्या होगा? देन इवेंचुअली आप राजा के पास जाओगे। तो हमने जब ये सेक्शन की शुरुआत की थी धर्मस्थियम, है ना, तो वी हैड सीन, हमने तभी भी ये डिस्कस करा था कि जो ज्यूडिशरी है, जस्टिस सिस्टम है, वो कितने लेवल्स पे है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल हियर इन इन फ्रंट ऑफ अस, राइट, कि ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही राजा के पास जाओ। इनफैक्ट हमने उसमें भी देखा था कि प्रत्येक जो द्रोण मुख वगैरह वगैरह ग्रुप क्लस्टर्स ऑफ गांव है, वहां पर धर्मस्थियम, देर आर जजेस जो कुछ कुछ फैसले करेंगे, ठीक है। जो डिवोर्स रिलेटेड हमने देखा था, ये सब जो हमने इसके पहले देखा था इनहेरिटेंस रिलेटेड, उसमें जो धर्मस्थियम, जो जजेस हैं, वो निर्णय करेंगे। परंतु जब वास्तु की बात आती है तो वो लोग आते ही बाद में। सबसे पहले तो आपका जो नेबरहुड, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ जज टू फाइनली टेक अ कॉल, परंतु साक्षी वगैरह है, और जहां तक हो सके अगर गांव के गांव में निर्णय हो जाता है देन यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड। जैसे पंचायत, आज का जो हमारा पंचायत का सिस्टम है, दिस इज सिमिलर टू दैट, है ना, कि गांव का अगर वाद विवाद हो तो आप गांव वालों से ही सॉल्व करा लो, यू डोंट इवन नीड टू गो टू द जज। कुछ कुछ मामले जो है, बिकॉज जज भी क्या करेंगे, उनको भी साक्षी तो आप में से ही ढूंढ कर, अपने में से ही ढूंढ कर निकालने हैं, है ना। तो एंड करना क्या है, ऐसा तो नहीं है कि देर इज अ डिसीजन टू बी टेकन कि दिस वे और दैट वे, है ना। अगर अपने आप सॉल्व हो जाता है तब तो कोई पनिशमेंट की भी बात नहीं आती है। पनिशमेंट की बात कहाँ आती है ऐसी सिचुएशंस में, कि अब जब बाउंड्री को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया, देन वो क्रिमिनल एक्ट हो गया, है ना। इस केस में फिर जो धर्मस्थियम है, जो जजेस हैं, वो देर कम इन टू एक्शन, और अगर वो पकड़ा गया, बिकॉज इसमें तो है ना कि यू डोंट नो हु द क्रिमिनल इज, उसको पकड़ना पड़ेगा, तो वो जो पकड़ा जाए उसका क्राइम जो है वो प्रूव हो जाए, फिर उस पर दंड लगेगा। वहां पर फिर द धर्मस्थियम, द जजेस विल कम इन टू प्ले, ठीक है, द स्टेट ज्यूडिशरी विल कम इन टू प्ले। बट अगर ये नहीं है तो केवल सीमा का वाद विवाद है, बाउंड्री का वाद विवाद है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन इज योर ओन गांव, इज योर ओन नेबरहुड। अगर वहां नहीं होता है तो आगे जाते हैं। तो इसमें वो आगे क्या कह रहे हैं, प्रनष्ट प्रनष्ट सेतु भोगम वा सीमानम राजा यथोपकारम विभजेत, कि अगर ऐसी परिस्थिति आए कि कोई जो बाउंड्री है वो नष्ट ही हो गई है, कोई पता ही नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली क्या बाउंड्री है क्या नहीं है, ठीक है, या सीमा ऐसा कुछ है ही नहीं, या वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, इतने सारे ग्राम के लोग एकत्रित होकर भी, उस समय फिर ये राजा के पास जाएगा, एंड फिर ये फिर जो निर्णय है वो राजा का होगा कि वो कैसे करना है। देन दैट इवेंचुअल बॉल जो है ना इज इन द कोर्ट ऑफ द राजा, फिर वो बोलेंगे कि नहीं इसको ऐसे ऐसे कर दो, फिर वो माना जाएगा, बिकॉज एनी वेज जो गाँव वाले दे कुडंट कम ऑन एनी पॉइंट, कुडंट कम ऑन एनी रेजोल्यूशन, तो वो फिर फाइनल कॉल जो है वो राजा के, इसमें ही कैन डिसाइड इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ग्राम, गांव की बाउंड्री। अभी इसके बाद है उसी पृष्ठ पर 275 पर क्षेत्रम विवाद। क्षेत्रम विवाद मतलब जो खेत है, ठीक है, लोगों के जो खेतर है उससे रिलेटेड जो विवाद है, जो खेतर का खेत, खेतों खेतों की जो बाउंड्री है उससे रिलेटेड विवाद जो है उनको क्षेत्र क्षेत्र विवादम ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो क्षेत्र विवादम सामंत ग्राम वृद्धाः कुर्युः, सामंत अगेन नेबरहुड और ग्राम के वृद्ध, आपका जो जैसे आज एग्जैक्टली लाइक पंचायत है ना, जो इंटरनल मामला है, तो जो ग्राम के वृद्ध है, जो जिनको लोग मानते हैं, ऐसे लोग एकत्रित होंगे, नेबरहुड वाले जो है वो एकत्रित होंगे, और खेतों से रिलेटेड कोई भी गांव में विवाद हो, क्योंकि खेतों से रिलेटेड विवाद अधिकतर किसके साथ होगा, आपके नेबर्स के साथ ही हो सकता है जिसका खेत आपके बाजू में है ना, अधिकतर यही होगा, या तो कोई तो और ही आपका क्लेम कर रहा है, वो तो अलग चीज है, बट अधिकतर जो सीमा से रिलेटेड विवाद है ना, ओनरशिप का विवाद है सेपरेट, ये तो सीमा से रिलेटेड विवाद है कि कहाँ होना चाहिए, तो ये जनरली आपके बाजू वाले के साथ ही होगा, तो फिर वो उसका निश्चय करने के लिए भी गांव के जो वृद्ध है जिनको सब मानते हैं वो एकत्रित होंगे। अच्छा, अगर वो ना हो तो क्या, तेषां द्वैधी भाव भावे यतो बहवः शुचयो अनुमता वा ततो नियच्छेयुः मध्यम वा ग्रहीयुः ग्रहीयुः। तो वो कह रहे हैं कि फिर उसमें से यतो बहवः, कि जो मेजोरिटी डिसीजन पड़ता है, ठीक है, मेजोरिटी डिसीजन पड़ता है, या फिर ऐसा कोई है जिसको सब मानते हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी मानते हैं लोग, और दोनों साइड, जो दोनों घर वाले, जो दोनों नेबर्स हैं, उनको भी मान्य है,
जिसको अनुमता, दोनों साइड से परमिसिबल ऐसा कोई हो, या तो मेजोरिटी लोगे या फिर दोनों साइड से परमिसिबल ऐसा कोई हो, वो निर्णय करेगा अच्छा नहीं इसको ऐसे देखिए ऐसे कर दो, ठीक है, तो या तो उसकी बात मानी जाएगी एंड वो निर्णय कर देंगे। एंड जनरली वो क्या करेंगे इस केस में, मध्यम व ग्रहयो, द मिडिल पाथ, क्यों करेंगे, अच्छा तुम्हारा भी नहीं तुम्हारा भी क्लेम नहीं, बीच का ही कर दो, है ना। अगर कोई क्लेम करता होगा नहीं 60% मेरा है, कोई कहेगा नहीं नहीं केवल 40% आपका है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं इसको 50% कर देता है, आप भी खुश मैं भी खुश, उस तरीके से। इन द केस कि वो सही से एक्चुअल डिसीजन ना ले पाए 60-40 क्या है, तो वो मिडिल पाथ ले सकते हैं और ये जो है वो गांव के गांव में सुलटा जाएगा। अच्छा अब सपोज ये नहीं होता है, ठीक है, अब इसमें रूल कैसा है, क्योंकि गांव वालों के भी और जो 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 विवाद में फंसे हैं उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो लोग समझौता कर ले, नहीं तो क्या होगा, आगे वो कहते हैं तद उभयम परोक्तम वास्तु राजा हरेत, कि अगर दोनों ही कोई भी सॉल्यूशन पे आने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, वो बाउंड्री को लेके कुछ तो पीस ऑफ लैंड अगर वो बाउंड्री का है, और दोनों ही साइड कोई भी निर्णय पे आने को तैयार ही नहीं है, और ये बात राजा तक जाती है, तो राजा क्या करेगा, तेरा भी नहीं उनका भी नहीं मेरा, ये राजा का, फिर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, स्टेट प्रॉपर्टी हो गई, फिर ही कैन डिसाइड उसको क्या करना है विद दैट, ठीक है। तो ये दोनों के ही एक तो है कि गांव के ही फायदे में है कि निर्णय जो है वो जस्टिस पूर्ण हो, वो फेयरली किया जाए, ठीक है, तो ही गांव में जो है वो एकजुटता शांति वगैरह बनी रहेगी। पर जेन्यूनली ऐसा कोई है वेर दे आर नॉट एबल टू अग्री ऑन कम ऑन अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, तो वहां पर आप यू टेक द मिडिल पाथ एंड डू अ समझौता, पर क्योंकि अगर आप नहीं करोगे और राजा तक हर चीज जाएगी, बिकॉज राजा के पास भी क्या है ना इस विवाद को सॉल्व करने के लिए, तो ही विल, अच्छा ये मेरा अब करो मजा, ठीक है। सो दिस इज द रूल हियर टू टेक कि आप कम से कम ऐसे केसेस जो है वो राजा तक पहुंचे, अनलेस सच्ची में ऐसा कोई है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फिर राजा वास्तु हरे, वो जमीन जो है वो भाग राजा ले लेगा। प्रनश प्रनष्ट स्वामी कमच यथोकारं वा विभेजन, अभी ऐसी कोई जमीन है जहां का कोई क्लेम ही नहीं है, जो क्लेम ही नहीं कर सकता, है ना, जो ओनर है उसके कोई बाल बच्चे नहीं हो, वो ओनर की डेथ हो गई हो, तब वो कैसे करे, वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है, कोई भी ओन नहीं करा, कोई भी इनहेरिटर नहीं है उसका, तो वो जो है वो भी राजा की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टीज है जिसकी कोई ओनरशिप नहीं है, जैसे वो तो आज भी होता है, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो राजा की हो जाएगी, और वो फिर अपने अपने हिसाब से अगर गांव को देना है, वहां पर कोई और काम करना है, चैरिटेबल काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है, जो भी, या किसी को आवश्यकता हो, किसी को बसाना है, तो वो राजा फिर यथा उपकार अपने हिसाब से सोचकर कर देंगे। ऐसी कोई जमीन हो जो अनक्लेम्ड हो, ऐसी कोई अनक्लेम्ड भूमि या वास्तु, कोई भी जगह हो, इस तरीके से। फिर वो कहते हैं प्रसह्य आदाने वास्तुनि स्तेय दंड, प्रसह्य इज फोर्सफुली, आदाने आदाने इज टू टेक अवे, अगर फोर्सेबल सीजर होता है, कोई एनक्रोच करता है फोर्सिबली किसी और की जमीन, ठीक है, उस पे अपना क्लेम ठोक देता है फोर्सिबली बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीजन के, तो उसमें क्या होगा, तो उसको स्टे दंड, स्टे मतलब चोरी, तो चोरी करने के लिए जो भी दंड दिया जाता है वो वैल्यू के हिसाब से उसको चोरी का दंड मिलेगा, क्योंकि किसी की जमीन चोरने वाली बात हो गई है ना, तो उसको चोरी करने का दंड मिलेगा। परंतु कई बार क्या होता है, जैसे आज भी हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ काम है, तालाब बनाना हो सपोज, या वहां से रास्ता निकालना हो, ऐसा कुछ भी हो, तो आपको वो जमीन को एनक्रोच करना ही पड़ेगा, है ना, तो उस केस में क्या, यू हैव अ वैलिड रीजन, आपके पास एक कारण है जिसके कारण आप वो जमीन का एनक्रोचमेंट कर रहे हो, वो उसको ले रहे हो आदाने, ठीक है, तो उसके लिए वो कहते हैं कारण आदाने विद अ रीजन, इफ यू आर टेकिंग विद अ जेन्यून जस्टिफाइड रीजन, तो वो क्या होगा, प्रयास सम आजीवम च परिसंख्याय बंध दद्यात, तो जो भी कंपेंसेशन, परिसंख्या मतलब कंपेंसेशन, ठीक है, तो जो भी कंपेंसेशन उसे देना चाहिए उस भूमि के वैल्यू का, मूल्य का, वो और आजीवम, क्योंकि वहां पर वो खेती कर रहे थे, तो खेती करने से उनको कुछ इनकम होती थी, है ना, तो कंपेंसेशन कैसे होना चाहिए, विच कवर्स द आजीव, जो उसका जो जो भी,
हाँ, तो हम कोई स्पेसिफिक कारण के लिए एनक्रोच करना पड़े इसकी बात कर रहे थे। तो हम कह रहे थे कारण आदाने प्रयासम आजीवम व परिसंख्याय बंध दद्यात, कि कंपेंसेट कर दो उस केस में व्हेन देयर इज अ वैलिड रीजन, जो आज भी होता है ना, जो रेलवे लाइन डालनी हो या कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना हो, तो हम वो जमीन लेते हैं, पर कैसे करते हैं, यू कंपेंसेटेड, इट इज नॉट जस्ट द वैल्यू ऑफ द लैंड, पर उससे रिलेटेड आपकी जो भी आजीविका वगैरह चलती होगी वो सारा आप कवर करके कुछ अच्छा कंपेंसेशन उनको दे दो, क्यों, तो फिर आप वो जमीन ले सकते हो, ठीक है। और जैसे हमने पिछले इसमें देखा था कि जो भी जो सीमा है, सीमा के जो चिन्ह है उनको नाश करने का प्रयत्न करेंगे तो उनको दंड मिलेगा, उसी तरीके से एक बार ये क्षेत्र जो खेत वेत है उसकी सीमाएं निश्चित हो जाए और उसमें फेंसिंग या कुछ कर दिया, उसको नाश करने का या मिटाने का कोई प्रयत्न करेगा तो उनको भी दंड दिया जाए, ठीक है। तो इसमें एक चीज थोड़ा सा है कि जब गांव की बात आती है तो सीमा कहते हैं, घरों का इसमें हमने सेतु ऐसा देखा था, और जब क्षेत्र की बात आती है तो फील्ड्स की बात आती है तो उसमें मर्यादा ये कहा जाता है, जस्ट इट्स अ टेक्निकल डिफ्रेंसिएशन और कुछ नहीं, अर्थ तो सेम है, हम बाउंड्री की बात करें। और इसी तरीके से जो बेसिकली हमने घर का देखा, क्षेत्र का देखा, गांव का देखा, तरीका तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि जो जो आपके नेबर्स हैं उनकी साक्षी मानी जाएगी, और जो गांव वाले हैं वही उसको सुलटाने का पहला प्रयत्न करेंगे, जब नहीं सॉल्व होगा तभी राजा इन्वॉल्व होता है। और यही तरीका है कि फिर वो आगे कहते हैं, तेन तपोवन विविध विविध महापथ स्मशान देव कुल यजन पुण्य स्थान विवादा व्याख्या था, कि से रस्ते वहां का जो रोड है उससे रिलेटेड विवाद हो, तपोवन से रिलेटेड विवाद हो, पास्चर लैंड से रिलेटेड विवाद हो, स्मशान भूमि से रिलेटेड विवाद हो, तो ये सारे जो है वो इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, पहले गांव वाले सुलटाएंगे, नहीं होगा तो आगे राजा को भर्ती करेंगे, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल लेके ये सर बाकी सबका भी ऐसे ही होगा, सो नो नीड टू गेट इन टू डिटेल्स है। फिर आगे वो एनक्रोचमेंट पे और थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, कि किसी किसी किस किस प्रायोरिटी ऑर्डर में एनक्रोचमेंट कैन बी डन इन द सेंस, आपको कंपेंसेशन मिलेगा बट यू हैव टू अलाउ फॉर इट एज वेल, क्योंकि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं, मैं मेरी जमीन नहीं दूंगा, ठीक है, इट इज फॉर द लार्जर गुड। जो हमने पब्लिक गुड की बात हमने पिछली बार देखी थी है ना, कि एक है सामान्य, सामान्य जो है अगर सामान्य सबके लिए कुछ काम हो रहा है तो आपको कोई ना कोई या तो मटेरियल मदद या तो परिश्रम से आपको सपोर्ट करना है, अगर आप ना करो और उसका फायदा आपको होने वाला हो तो आपको दंड मिलेगा कि यू डोंट पार्टिसिपेट इन, या फिर आप उसका उपयोग ही नहीं करोगे। बट इन जनरल अगर सबके भले के लिए, अच्छे के लिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो यू विल हैव टू एनक्रोच, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ दैट, दैट आल्सो दे टॉक अबाउट नाउ, बट एनीवेज वी आर ऑन नाउ पेज नंबर 276। तो पहले कहते हैं सर्व एव विवादाः सामंत प्रत्ययाः, प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ है साक्षी, विटनेस, ठीक है। तो जो भी ऐसे बाउंड्री से रिलेटेड विवाद हो उनका विटनेस जो है वो तो आपके सामंत नेबर्स ही होंगे, और उससे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता, किनको मालूम होगा कि क्या बाउंड्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, है नहीं, आपके तो नेबर्स को ही पता चलेगा ना, जो इतने आपके साथ इतने साल से रह रहे हैं, देख रहे हैं उनके भी परिवार परिवार थ्रू कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो सबसे पहला जो मान्य साक्षी है वो आपके नेबर्स का होगा। फिर आगे वो कहते हैं विविध स्थल केदार क्षंड खल वेश्म वाहन कोष्टानाम पूर्वम पूर्वम आबाधम सहेत, आबाध मतलब एनक्रोच, ठीक है, टू यूज दैट, तो किस तरीके से कि पहले का बाद वाला एनक्रोचमेंट इज अलाउड, उसका अर्थ विविध स्थल से पास्चर लैंड, कोई ड्राई लैंड है, सूखी जमीन पड़ी हो जहां पे ग्रेजिंग वगैरह करते हो, और कोई वेट फील्ड हो एग्रीकल्चर का, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पास्चर लैंड हो उसको आप वेट फील्ड द्वारा थोड़ा सा क्या एनक्रोच कर सकते हो अगर आपको और बढ़ाना है, ऑफकोर्स दिस इज ऑल विद परमिशन, ऐसे ही कर सकते हो ऐसे नहीं, और अगर जिसकी भूमि है उसको कंपेंसेशन भी देना है जो उन्होंने पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, तो विद कंपेंसेशन कवरिंग फॉर आजीविका वगैरह वगैरह, बट अगर पास्चर लैंड है एंड देर इज अ वैलिड केस फॉर सेटिंग अप अ वेट फील्ड,
कि बेसिकली खेतर, तो वो आपको करने देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर ऑर्चर्ड्स हैं या वेजिटेबल गार्डन्स हैं और कोई आपका खेत वेत है, तो उसको आपको एनक्रोच करने देना पड़ेगा। सो द प्रायोरिटी ऑर्डर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। पास्चर लैंड का सबसे लो, उससे बेटर खेत, उससे ऊपर जो है वो ऑर्चर्ड्स वगैरह जो आपको करना पड़े, उससे ऊपर जो है घर। क्योंकि अब आप देखो, ये सिविलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, और सिविलाइजेशन के लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा, फॉरेस्ट भी जो है वगैरह वगैरह आपको क्लियर करना पड़ेगा। घर पे रहना सबसे आवश्यक अधिक है, ठीक है? तो ऐसा जो गिवन एरियाज हो, उसमें वो क्लियरिंग आप कर सकते हो, घर के लिए, वाहनों के लिए वगैरह वगैरह। तो जैसे आप बढ़ते जाते हो, यू कैन एनक्रोच ऑन द अदर, और क्लियरली दे हैवन क्लियरली सेड, बट इट ऑल्सो गोज फॉर जो आपका सामान्य पब्लिक गुड रिलेटेड इश्यूज हो। परंतु कुछ कुछ जगहें जो है वो इसमें नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्म सोमारण्य की अरण्य कोई है, देव यजन पुण्य स्थान, ऐसी कोई मार्ग, कोई तीर्थ स्थल मार्ग हो, कोई चैत्य भूमि हो, कोई देव यज्ञ के लिए कोई जगह मार्क करी गई हो, या सोमारण्य ऐसे कोई जहाँ पे सोम मिले, बेसिकली जहां पर ये गुरुकुल वगैरह का जो अरण्य करा गया हो, जहाँ पूजा वगैरह होती हो, अभयारण्य ऐसा कुछ हो, तो उसको आप एनक्रोच नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इसमें भी देयर विल ऑलवेज बी अ क्लॉज कि राजा अलाउ करेगा तो कर सकते हैं, बट लार्जली दैट इज नॉट समथिंग दैट विल बी अलाउड। सो सम प्लेसेस आर आउटसाइड ऑफ व्हाट कैन बी एनक्रोच, ठीक है, द प्रायोरिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग। फिर अच्छा, अब वो क्योंकि खेतों की बात आ रही है, तो अब वो टैंक्स, क्योंकि जो आपको रिजर्वॉयर चाहिए। अच्छा, इससे हमको ये भी पता चलता है कि क्योंकि एग्रीकल्चर था, खेत वाला कृषि प्रधान समाज तभी भी था, कृषि प्रधान समाज के लिए तो पानी की आवश्यकता होती थी, और पानी केवल बारिश पे वो लोग नहीं निर्भर रहते थे, उनका भी पूरा जो हमने देखा है कि हम आज भी जो हमारे रुइंस हमें मिलते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के, या उसके बाद साउथ वगैरह में भी जो मिले हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि एक्सटेंसिव इरिगेशन चैनल्स वगैरह होती थी। ये हमने उसमें भी देखा, जो आपके घर वर बनाने की जब बात हुई थी, तभी भी पानी के चैनल्स किस तरीके से होने चाहिए, बारिश का पानी हो उसको फ्लो करने के लिए भी चैनल्स होनी चाहिए, ये सब बातें हुई थी। तो इरिगेशन की भी व्यवस्था है। इरिगेशन कैसे होता था? एम्बैंकमेंट्स, टैंक्स, रिजर्वॉयर्स से तालाब वगैरह क्रिएट क्रिएट करे जाते थे, डैम्स, ठीक है? तो अब उससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड वो क्या कह रहे हैं अभी? ही सेज, आधार परिवाह केदार उपभोग ही पर क्षेत्र कृष्ट बीज हिंसाया यथो उपघातम मूल्य दत्यु। कि सपोज कोई ऐसा अपना स्वयं का एम्बैंकमेंट जैसा तैयार कर रहा है, रिजर्वॉयर जैसा कर रहा है, उसमें कोई कारण सर ओवरफ्लोइंग हो गया, और वो ओवरफ्लोइंग के कारण किसी और के खेत में जो बीज डाले गए थे इन द सोइंग सीजन, उसमें जो बीज डाले गए थे, अगर उनपे हिंसा हो जाए, उनका नुकसान हो जाए, तो क्या करोगे? आपको उसका जो मूल्य है, जो नुकसान हुआ है, वो देना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि परस्पर हिंसा है, वो जानबूझ के एक दूसरे को तकलीफ पड़े, ऐसे अगर वो जानबूझ के एक दूसरे का नष्ट कर देता है, दूसरा इसका नष्ट कर देता है, तो दोनों को दंड मिलेगा। दिस इज द नेक्स्ट वन। पर अगर नॉट आउट ऑफ अ फॉल्ट, बट पानी के अधिक बहने के कारण किसी का जो आधार तटक मतलब लेक या डैम या एम्बैंकमेंट, उन्होंने जो अपने लिए किया होगा वो ओवरफ्लो हो जाए, जिससे दूसरों का नुकसान हो, तो आपको उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं कि सपोज ऊपर नीचे लेवलिंग, ऊपर नीचे के रिजर्वॉयर्स हो, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि नीचे के रिजर्वॉयर से आपको ऊपर का खेत जो है उसको पानी जाए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऊपर के रिजर्वॉयर से ही ऊपर के खेत को डालना चाहिए, विच ऑल्सो मेक सेंस ना, कॉमन सेंस है, ये आपको उल्टा लेकर जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर, तो फ्लो ऑफ वाटर इज ऑलवेज ऊपर से नीचे। तो ये वो कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर नहीं, जो ऊपर का खेत है उससे ऊपर के वालों को, आपको वाटर जो खेत है उसको पानी सिंचन करना चाहिए। ऊपर से नीचे वालों को तो फिर भी हो सकता है, इनफैक्ट वो आगे कहते हैं कि जो ऊपरी निविष्ट न आधार तटकस्य पूरा स्राव पूरा श्रावण वारयेद अन्यत्र त्रिवर्षो उपरतः कर्मणः। कि आपको जो ऊपर से नीचे पानी का फ्लो आता है उसको आपको रोकना नहीं है, कि ऊपर के तालाब से नीचे के तालाब की ओर जो भी नहरों के या जो भी कारण से पानी आता हो, यू शुडंट स्टॉप दैट फ्लो, वो फ्लो को आपको करना नहीं है।
ओनली इन द केस कि वो जो नीचे का तालाब या एम्बैंकमेंट या रिजर्वायर जो भी कुछ है वो काम में ही नहीं आ रहा, ठीक है, तब आप उस राव को चेंज कर सकते हो, कहीं और लेकर जा सकते हो। पर वरना आपको जो नेचुरल कोर्स ऑफ ऊपर से नीचे का जो पानी आ रहा होगा, स्पेशली ऊपर से नीचे वाले रिजर्वॉयर में, तो वो आपको चेंज नहीं करना है। न वा रही है, उसमें का रही है लिखा है, बट इट्स नॉट का रही है, इट इज वा रही है, ठीक है। यू डू नॉट डिस्टर्ब दैट फ्लो अनलेस एंड अंटिल वो जो तालाब या रिजर्वॉयर जो है वो काम में ही नहीं आ रहा, उसी की हालत खराब हो, तो आप वो फ्लो चेंज कर सकते हो, वरना आपको नहीं करना है। और अगर आप करते हो तो आपको दंड मिलेगा, और दंड आपको क्यों भी दूसरे भी केस में मिलेगा, तटाक वामनम, वामन वामन मतलब खाली कर, ठीक है, वामन था उसका, वामन मतलब उल्टी भी होता है, तो उल्टी में हम क्या करते हैं कि पेट के अंदर जो था, पेट पेट के अंदर जो था वो खाली कर देते हैं, तो वामन मतलब निकाल देना। तो अगर ऐसा जो तटाक या तालाब वगैरह है उसको ऐसा कोई काम करे कि वो उसको खाली कर दे, उसको ड्राई कर दे, तो उस मनुष्य को भी दंड दिया जाएगा, क्योंकि पानी तो सबको चला, स्पेशली जब खेती प्रधान समाज हो। तो दिस इज ऑन रिजर्वायर्स। आपने, मैंने देखा कुछ पूछा पूनम जी, बट वील कम टू द क्वेश्चंस थोड़ा सा अंत में। इसके आगे क्या, हाँ अच्छा, अब एक चीज मुझे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ओनरशिप, ठीक है, तो जनरली तालाब वगैरह जो है वैसे तो वो पब्लिक गुड में आएंगे, ठीक है, परंतु जैसे आज भी प्राइवेट ओनर्स हो सकते हैं इनके, जो मैनेज करते हैं, बनाते हैं, आजकल हम पीपीपी फंडा देखते हैं, है ना, सीम्स लाइक तभी भी ऐसे था, क्योंकि इसके आगे वो ओनरशिप की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं इसके आगे, 276 पे, पंचवर्ष ऊपर ऊपर तक कर्मणः सेतु बंधस्य स्वाम्य लुप्येत अन्यत्र आपादभ्य, कि सपोज कोई सेतु बंध है, ठीक है, कोई ब्रिज है, कोई तालाब है, रिजर्वॉयर है, सबके लिए सेतु बंध शब्द का उपयोग किया गया है, तो ऐसा कुछ हो जो 5 वर्ष से काम में ही नहीं आ रहा, ठीक है, या खराब हो गया हो, टूट गया हो, काम में ही नहीं आ रहा हो 5 वर्ष तक, तो जो भी उसका ओनर है उसका स्वामित्व स्वाम्य लुप्त हो जाएगा, ही विल नो लॉन्गर ओन इट, और वो किसी और जो उसको रिपेयर वगैरह कर सकता है, या राजा के पास उसका ओनरशिप चला जाएगा अगर 5 वर्ष तक वो उपयोग में ना लाया गया हो। अच्छा, अब अगर ऐसी परिस्थितियों की कुछ आपदा आ गई हो, कि सपोज फ्लड आ गया हो, या फैमिन वगैरह आ गया हो, ठीक है, दुष्काल पड़ गया हो, इस कारण सर वो उपयोग में ना आया हो, नेचुरल कैलामिटी से, प्राकृतिक कारण सर, तो उन जगहों को, तो फिर स्वामित्व आपका लुप्त तो नहीं होगा, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु आपके देख रेख ना करने के कारण, या ऐसा कुछ उसका और ध्यान ना रखने के कारण, अगर वो आप 5 वर्ष तक उपयोग में ना आया हो, तो यू विल लूज द स्वामित्व, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भले देयर इज इंडिविजुअल ओनरशिप, काम तो वो सभी के लिए आता है, इसीलिए उसका स्वामित्व आप लूज कर दोगे। फिर वो कह रहे हैं कि ताटक सेतु बंधाना नव प्रवर्तने 5 वर्षीय का परिहार, परिहार का हमने शुरुआत में देखा था, परिहार हैज टू डू विद टैक्स, तो हमने देखा है कि जब खरीदी बेच भी होती है जमीन की, तो भी टैक्स देना होता है, जो उपयोग में आप ला रहे हो उसमें भी टैक्स देना होता है, अगर उस वस्तु से आपको पैसे मिल रहे हो तो भी टैक्स देना होता है, तो पर आज भी पता है हमको, जब वो एसईजेड जो बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए, वो क्या कहेंगे कि आप यहाँ आओ, आप हमसे जमीन लो, पर 5 वर्ष तक आपका जो भी प्रॉफिट होगा हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, या XYZ टैक्स जो है, लैंड टैक्स है वगैरह वगैरह, वो आपको हम फ्री देंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो आपको हम फ्री देंगे। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा तटाक सेतु बंधाना, ऐसे ब्रिजेस हो या ऐसे तालाब हो, उसका नव प्रवर्तन, उसका आप नए अगर ऐसे कोई आप बना रहे हो, तो 5 वर्ष तक आपको उसका टैक्स नहीं भरना है, जो भूमि पर, जिस भूमि आपने खरीदी है उसका जो आपको टैक्स भरना पड़ता है ना, लैंड टैक्स वगैरह जो हमने शुरुआत सेकेंड चैप्टर में आई थिंक देखा था, तो यू विल नॉट पे एनी टैक्स फॉर 5 ईयर्स ऑन दैट। अच्छा, भग्नो उत्सृष्टाना चातुर्वर्षिका, अगर वो टूट गया हो कुछ और उसको आप रिपेयर करवा रहे हो,
ठीक है, तो रिपेयर करवा कर वो काम में लाने जैसा हो गया, तो 4 वर्ष तक आप टैक्स नहीं भरोगे। समूपारूढ़ाना, समूपारूढ़ मतलब एक्सटेंशन कर रहे हो। सपोज वो तालाब है, उसमें 1 लीटर पानी भर सकता हो, तो वो तालाब को आपने और बड़ा किया, एक्सपैंड किया उसको, ठीक है, या जो ब्रिज है उसको आगे तक लेकर गए, वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ऐसा कुछ आपने एक्सटेंशन किया ऑफ एग्जिस्टिंग, तो 3 वर्ष तक आपको उस पर टैक्स नहीं भरना है। अच्छा, उसके आगे वो कहते हैं कि जो भी ये तालाब या वगैरह रखते हैं उसका पानी जो है वो खेती के लिए वगैरह वगैरह वो और से जो भी कारण सर किसी और को अगर उसका उपयोग पानी का करना है तो एट अ सर्टेन प्राइस या एट अ बार्गेन, कि सामने वाला आपको उनका धन धान्य उग रहा है व्हाटएवर, तो एट अ बार्गेन जो भी वो पानी वगैरह है वो उसको दे सकते हैं। व्हाट दे हैव सेड कि इट इज नॉट जस्ट फॉर योर उपयोग, किसी और को चाहिए तो एट व्हाट एवर बार्गेन दैट यू अग्री विद द अदर पर्सन आप उनको वो पानी का उपयोग करने दे सकते हो। ठीक है, फिर वो जो तालाब या सेतु या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जो भी क्रिएट किया है वो यू आर फ्री टू सेल इट और लीज इट, ठीक है। अच्छा, जो जिसको भी आप सेल या लीज कर रहे हो उसका ध्यान रखने का काम भी उनका होगा, उनका रिपेयर करवाने का वगैरह वगैरह, स्पेशली अगर लीज पे लिया, सेल कर दिया तो वो ओनर ही है, फिर तो हम जानते हैं कि वो ना करे 5 साल तक तो ओनरशिप चली जाएगी, परंतु तो स्पेशली अगर लीज पर लिया गया हो तो प्रक्रय इज सेल एट अ प्राइस, अवक्रय इज टू लीज या रेंट इट आउट, ठीक है। तो इफ इट इज रेंटेड आउट टू समबडी, अब रेंट आउट करके क्या, या तो वो उसका कुछ उपयोग करते होंगे या तो सेम चीज किसी को पानी देके उसका मूल्य लेते होंगे, है ना, जैसे टोल लिया जाता है, या इरिगेशन के लिए जो है आपको पानी कुछ आप बिल भरते हो, टैक्स भरते हो, जो भी, तो वो जो वो लेते होंगे क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे इसका हम देख रहे हैं, तो उस पर जो इनकम टैक्स वगैरह वगैरह हो सकता है, तो क्योंकि वो तो फिर वो रेंट जो जिसने रेंट पे लिया है लीज पे लिया है उसको मिलने वाला है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रतिकार, प्रतिकार इज टू रिपेयर इट टू एंश्योर दैट प्रॉपर्टी स्टेज इन द राइट कंडीशन। अगर वो प्रॉपर्टी सही कंडीशन में नहीं रहती है और वो उसका रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, उसको दंड दिया जाएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी वो भी उनकी है, ठीक है, जो भी वो रेंट पे या लीज पे ले दे रहा है। फिर आगे वो कहते हैं लास्ट, इसमें सेतुभ्यः मुंचतः तोयम, अच्छा दिस इज अवारे नॉट अपारे, तो सेतुभ्यः मुंचतः तोयम अवारे शटपणो दमः पारे वा तोयम अन्येषां प्रमादेन उपरुन्धतः, कि वो सेतु जो है या वो या तो ब्रिज है या बेसिकली इसमें टैंक की बात हो रही है कि जो टैंक रिजर्वॉयर है वहां से आउट ऑफ टर्न पानी नहीं निकाल सकते, तो अगर सबका लग गया हो कि अच्छा ये इस समय पानी निकालेंगे, ये उस समय, ये इस व्हाटएवर फैमिली वाइज गांव वाइज जो भी, तो टेकिंग वाटर आउट ऑफ इट आउट ऑफ टर्न आपको एक तो उसके लिए दंड देना पड़ेगा, टेकिंग मोर वाटर देन व्हाट इज एलोकेटेड टू यू उसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा, और अगर आप आपके टर्न में ही पानी ले रहे हो, ठीक है, पर इस तरीके से ले रहे हो कि किसी और को इग्नोरेंस के कारण या निग्लेक्ट के कारण आप जो बाकी लोगों के यूज करने में अवरोध खड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपको दंड देना है, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन यूजिंग व्हाट इज अदरवाइज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, इवन इफ इट इज बिलोंग्स टू समबडी एल्स, सब तो वो ही आपको दंड देंगे, बट इट सीम्स लाइक, क्योंकि हमने देखा है कि राजा को भी कहा गया है कि आपको भी इन्वेस्ट करना है ये सब बनाने, तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है अब तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर कि ये दोनों प्रकार ही होते थे, एक तो राजा स्वयं बनाए इसके लिए फिर वो स्टेट कंट्रोल में होगा, या फिर इंडिविजुअल जो लोग हैं वो भी इसको करवा सकते हैं, जैसे चैरिटी के लिए भी कितने लोग कराते हैं ना कि ये धर्मशाला बना दी, बट धर्मशाला ही नहीं, लोग तालाब भी बनाते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, तो खुद के लिए भी कर सकते हैं, चैरिटी के लिए भी कर सकते हैं, तो इट वॉज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक विच वॉज अंडर स्टेट ओनरशिप, एंड दैट स्टेट ओनरशिप वाला ऑल्सो कुड बी लीज आउट,
उसके चालू चलाने वलाने के लिए। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो मॉडल्स हैं वो नए नहीं है, दिस वाज आल्सो देयर एट दैट टाइम, कि पब्लिक प्राइवेट दोनों में चलता था। तो विद दिस वी एंड नौवा चैप्टर, दसवां भी मैं शुरू कर ही दे दूंगी, पर बिफोर दैट किसी को कुछ कहना करना है, वी कैन टेक 5 मिनट्स एंड डिस्कस। Just that one thing, I'm not sure if I heard it correctly. The term you used, Vaman, is for. So, isn't that woman and not Vaman? वमन, इसमें वामन लिखा गया है, मे बी इट्स एक्शन ऑफ वमन, तटाक वामन, मतलब तटाक को खाली करना, ये उस सेंस में यूज किया गया है। बट वमन इज द वॉमिट पार्ट, यू आर राइट, टू खाली करना पार्ट। लेट मी चेक अगेन, तटाक वामन, हाँ वही लिखा है, मे बी इट्स रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ एम्प्टीइंग द लेक, बट दैट इज वमन धोती, यू आर करेक्ट, जो निकालने का ये करते। हाँ पूनम जी, आपने कोई कमेंट भेजा था, सॉरी। किन्हीं स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी थी, तो ये हमने एक्चुअली पिछले इसमें देखा, पिछली बार हमने देखा था ना कि जो बारिश का पानी है उसको आप चैनल्स द्वारा, आप वो जो चैनल्स हैं उसके द्वारा उनको फ्लो करने का आपको प्रोविजन करना चाहिए। अब फ्लो करके वो कहाँ जाएंगे, किसी ऐसे तालाब वगैरह में ही उसका होगा ना, जो रिजर्वायर्स या टैंक्स वगैरह है। अच्छा दूसरी बात, क्योंकि सीमेंट का उपयोग नहीं होता था और मिट्टी का उपयोग होता था, तो जमीन जो है वो स्वयं ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी हो जाती थी, क्योंकि आपका जो जो पानी का स्तर जो है जमीन में, द ग्राउंड वाटर, वो ऑलरेडी हाई रहेगा, तो आप अगर ये कुआं हुआ भी खोदना चाहो, इसलिए तो सबके घरों में भी कुएं इतने आराम से खोदे जा सकते थे, बिकॉज पानी का लेवल ही इतना हाई होता था, मिट्टी थी तो वो सोख लेता था सब कुछ, तो दे डिडंट हैव टू सेपरेटली डू एनीथिंग, इट वाज मच इजियर, बिकॉज ये सीमेंट वीमेंट के कारण हमको थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है कि वो पानी जाता ही नहीं अंदर। So I had a quick question. Maybe I'm sorry if I missed it, but डैम्स के बारे में, बंधारे के बारे में तो बोलते हैं जैसे खेती में होते हैं, पर बड़े लेवल पे डैम्स हुआ करते थे तभी? प्रोबेबली नॉट, राइट? बिकॉज दे डिडंट नीड नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑल दैट. हाँ, तो ये जो है वो सारे छोटे छोटे एम्बैंकमेंट्स और इसकी बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि बहुत बड़े लेवल पर कुछ होता था, तालाब वगैरह के लिए यस, बट आई डोंट थिंक एट द लेवल ऑफ से आज का भाखड़ा नगर, इतने तो नहीं होते थे पक्के से। राइट, ओके, थैंक यू. आई जस्ट वांटेड टू ऐड, सो ऐसे प्रॉपर डैम नहीं बोलेंगे, लेकिन चैनलाइजेशन ऑफ वाटर बिल्कुल होता था, एंड रिजर्वॉयर. सो इन अ वे इट्स सिमिलर, लेकिन स्केल थोड़ा डिफरेंट. एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट। इनफैक्ट मुझे याद है बाली में एक जगह है कि उनका भी, एंड दे हैव अ होल रिकॉर्डिंग, कि उनमें भी किस तरीके से इन बिफोर 1000 ईयर्स, आई थिंक 500 ईयर्स, किस तरीके से अलग अलग लेवल पर, क्योंकि वो भी थोड़ा ऊपर नीचे है ना, कि अलग अलग लेवल पर एम्बैंकमेंट करे जाते थे और चैनल्स और तालाब किए जाते थे, और फिर वो इरिगेशन होता था। नाउ लॉट ऑफ इट व्हाट दे सी, व्हाट पीपल हैड इन बाली, वो लोग ने अपने यहाँ से ही सीखा था, हमारे राजाओं से ही सीखा था, ठीक है। तो हमारे जो राज्य थे, क्लियरली उन्होंने इतने लेवल्स लेवल्स ऑफ टैंक्स की बातें की है, इरिगेशन की बातें की है, तो दिस वाज ऑल वेरी वेल प्लान्ड आउट, एंड इनफैक्ट हम जो अपने रुइंस है उसमें भी वो देख रहे हैं कि वाटर चैनल्स होते थे, इरिगेशन के लिए चैनल्स होते थे। बट एज वेरी राइटली जय सेड कि स्केल अलग था, मतलब आज का वही मैं कह रही हूँ कि भाखड़ा नंगल हीराकुद उस लेवल का नहीं होगा, बट था तो श्योर है, क्योंकि इसीलिए तो, जो नहीं तो तालाब कैसे बनेंगे, तालाब को आप फीड भी कैसे करोगे, एक तो है कि ऑफकोर्स रेन वाटर का ये होगा, पर आपके नहर और आपकी नदियां भी तो उसमें जाकर ये करेंगे। और अभी ये उन दिनों भी टेरेस फार्मिंग हुआ करती थी हिल साइड्स पर, तो उसके लिए जरूरी था कि नीचे आने वाले पानी को रोका जाए, टू सिर्फ टेरेस फार्मिंग की इरिगेशन के लिए नहीं, इवन टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द टॉप सॉइल.
इरोजन रोकने के लिए, तो कुछ तो था। और आज भी चाइना वगैरह में यू फाइंड अ लॉट ऑफ टेरेस फार्मिंग, इंडिया में तो आई डोंट नो क्या हो रहा है बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट एरिया ऑफ द रूरल एरिया जो हमें पता हो, लेकिन पहाड़ों में तो जरूर होती है टेरेस फार्मिंग। जी, इनफैक्ट ये पॉइंट जो प्रदीप जी कह रहे हैं दैट इज आल्सो राइट शिवाजी। इनफैक्ट सारे मराठा फोर्ट्स में रिजर्वॉयर्स हैं, आज भी हम ऊपर जाए तो होता है। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स, उसमें जो फोर्ट्स कंस्ट्रक्शन की बात होती है उसमें रिजर्वॉयर होना आवश्यक है। इनफैक्ट हमने इसमें ही देखा था अर्थशास्त्र में भी हमने देखा था कि वो जब फोर्ट दुर्ग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था के लिए भी आपको कुछ ना कुछ वहां पर करना है, कि जलाशय ये आपको क्रिएट करना है अंदर के अंदर। वैसे भी हम लोग को अपने फोर्ट्स में आजकल भी आई थिंक गुजरात में है शायद रानी की बाव, यू फाइंड अ लॉट हाँ, ऑफ स्टेप सस्ती। वेल्स है, करेक्ट, दैट्स द अदर थिंग, एक्चुअली एक्चुअली स्टेप रानी की वेल्स बाव से ही हमें ये बात ध्यान आई थी कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बिकॉज इवन इन तमिलनाडु हम लोग आजकल सुन रहे हैं फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु कि वी आर एवरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज इज मैंडेटेड टू हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमें वहीं से ध्यान आया कि वो चीजें अभी तक चल रही हैं। एक चीज जो बदल गई है बहुत, दैट इज द ओनरशिप लॉज, जो आजकल करंटली दे आर वेरी डिफरेंट, एंड ऐसा लगता है आजकल दे हैव बीन टर्न्ड ऑन देयर हेड। बाकी तो खैर हाँ जी। या एंड आई थिंक इट वाज इवन मोर इम्पोर्टेंट इन एरिड रीजन्स, बिकॉज वहां पर अगर कोई वॉर करता है तो अगर किसी ने पूरे फोर्ट को एनसर्कल कर लिया, सो दे हैड टू हैव सम रिजर्व्स ऑफ वाटर। सो इंटरेस्टिंगली जैसे राजस्थान दे हैड वेरी मैच्योर सिस्टम, और ऊपर से व्हाट आई वाज सरप्राइज्ड इज लाइक सारे फोर्ट दे आर ऑन लाइक हिल, राइट? सो दे मैनेज टू इवन टेक इट समहाउ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन कितना सारा वाटर दे कैन स्टोर, एंड दे एक्चुअली यूज्ड इट इन अ वे कि द एनिमीज वर सरप्राइज कि ये लोग इतना टाइम तक सस्टेन कर सकते इवन व्हेन द सप्लाईज वर स्टॉप्ड फ्रॉम आउटसाइड। सो या द डेजर्ट रीजन वहां पर इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग सारे रिजर्वियर्स बनाना। Absolutely. वैसे भी ये सब चीजें वही करते हैं जहां पे कमी होती है। चिरापूंजी वाले पानी क्यों स्टोर करेंगे? That is also fair. Okay, तो आगे बढ़ते हैं 10वां अध्याय, जो इसी का कंटिन्यूएशन है और लास्ट पार्ट है वास्तु रिलेटेड। इसमें ये जो है ना, आप दिस इज मोर ऑन एनक्रोचमेंट्स, कि एनक्रोचमेंट्स करो तो ये सारा दंड रिलेटेड है, कि ऐसे करोगे तो ये दंड, ये करोगे तो वो दंड, वगैरह वगैरह। सो आई विल गो थ्रू सम ऑफ दिस वेरी वेरी क्विकली। तो पहला वो कहते हैं, पेज नंबर मैंने क्या कहा था, 278। 278 हाँ, कर्म उदक मार्गम अनुचित रुंधतः पूर्वतो अनुचित वा पूर्व साहस दंड, कि काम करने का कोई मार्ग हो और पानी का जो मार्ग हो उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट करे, या अननेसेसरीली नया मार्ग जिसका परमिशन ना हो उसको बना दे, क्योंकि अगर स्पेशली पानी के लिए तो अगर नया मार्ग करो तो आपका फ्लो भी डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो विदाउट परमिशन अनुचित, इलीगल, अनुचित, विदाउट परमिशन अगर आपने करा हो तो दोनों के लिए आपको दंड मिलेगा। अच्छा, अब वो कहते हैं, सेतु कूप पुण्य स्थान चैत्य देवायतनानि च परभूमौ निवेश्यतः पूर्वानुवृत्त धर्म सेतु सेतु आधान विक्रियम वा नयतो आनयतो वा मध्यम साहस दंड। बेसिकली वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज हो, ठीक है, फिर वो भगवान की भी क्यों ना हो, कि चैत्य चैत्य देवायतन, ये सब मंदिर रिलेटेड, धर्मस्थल, सेतु, कुआ, ब्रिज, ब्रिज हो, कूप, कुआ वगैरह, ये किसी और के भूमि में आप कर दो तो दैट इज, आपको यू कांट डू ऑल ऑफ दिस इन समबडी एल्सेस प्लेसेस। उसी दिन अब वो कौन सा महल, कहाँ, गुजरात की वो महल की बात हो रही थी, वहां पे अचानक से मजारे बन गई, एंड देन मजारे बन गई तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अरे मजार है तो यू नो भगवान का, वो उनके भगवान का ही हो गया, नहीं तो दिस वाज नॉट अलाउड। द्वारका में भी है ना, ऑफकोर्स ये, टू इनफैक्ट आइलैंड्स ऑफ द्वारका, द्वारका हैव मैं बीन मुझे टेकन ओवर। मोरबी का रीसेंट न्यूज था, बट द्वारका को तो उन्होंने कितनों सालों में, इनफैक्ट
हमारे यहाँ पर एक ब्रिज है, फ्लाईओवर है, ठीक है, तो वहां फ्लाईओवर में एक दिन उठ के देखते हैं तो वहां पर मजार किसी ने बना दिया। कोई भी जगह ले लो, किसी और की भी भूमि हो, भगवान के नाम पे भी आप कुछ भी कर दो, वहां पे कुछ बना दो। नो, दिस वाज नॉट अलाउड। मतलब आप सोचो, तभी भी लोगों की, कुछ कुछ लोग ऐसे करते होंगे, है ना, बट दिस वाज नॉट अलाउड, और जो करेगा उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज वन थिंग। अभी तो हमने बोला कि आजकल इट हैज बीन टर्न्ड अराउंड। करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा जो चैरिटी के लिए कुछ बनाया गया हो, ठीक है, कि कोई किसी ने चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से, कोई जो धनिक हो उसने चैरिटी के लिए कोई धर्मशाला बनाई हो, या तालाब बनाया हो, या ऐसा कुछ बनाया हो, तो उसको जाके कोई बेच दे, दिस इज ऑल्सो नॉट परमिटेड। कि वो चैरिटी जो ट्रस्ट में से कोई एक हो, या इवन इवन फैमिली वाला, अगर वो चैरिटी ट्रस्ट इज नो मोर विद द फैमिली नाउ, ठीक है, वो अलग से हो गया, तो उसको भी बेच देना ये नहीं कर सकते। बेच देना, उसका लीज वीज कर देना, दिस इज नॉट एनी इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी, तो उसको आप बेचने का काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसा कोई श्रोतृणा उत्तमम, अगर ऐसा कोई विटनेस हो जो जानता हो ये सब किया है, ठीक है, जिसके सामने ये सब हो रहा हो पर वो बताए नहीं, कंप्लेन ना करे, तो उसको भी दंड दिया जाएगा, विच इज ओके। पर अनलेस एंड अनटिल वो जो चैरिटेबल चीज हो, सपोज वो तालाब हो या ऐसा कुछ हो जो काम में ही ना आ रहा हो, धर्मशाला हो, वो काम में ही नहीं आ रही, ठीक है, वो टूट टूट गई हो, रिपेयर ही ना हुआ, और ये लोग कर्ज चुकाने के काबिल ना हो, तो उस केस में देखा जा सकता है क्या कर सकते हैं। तो या तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो किसी और को ये दे दे, या फिर ऐसा पॉसिबल है ना कि बियॉन्ड अ पॉइंट कोई हो ही नहीं, इट्स रनिंग ऑन इट्स ओन, क्योंकि वो चैरिटी के लिए किया गया था, नाउ इट्स गेटिंग मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन देयर ओन। तो उस केस में जो गांव वाले हैं वो एकत्रित होकर, या ग्राम की पंचायत वगैरह है, ग्राम के वयोवृद्ध है, दे कैन टेक क्लेम ऑफ इट, दे वो लोग उसको लेकर उसका सही रिपेयर वगैरह करा सकते हैं, बिकॉज ये तो अब चैरिटेबल था, तो बेसिकली सामान्य पब्लिक गुड हो गया था। तो जो गांव वाले हैं, स्वाम्य भाव ग्रामा पुण्य शीला व प्रतिकुरु, कि उसका ओनरशिप सबका है, गांव में अगर धर्मशाला है तो वो सबकी है, तो जो गांव वाले हैं वो एकत्रित होकर उसका जो प्रतिकार, जो मैंने कहा था, ध्यान व्यान रिपेयरिंग वगैरह सब कर सकते हैं। इसी तरीके से रोड वोड उस सब की भी बात वही आएगी। अच्छा, अब इसके आगे वो कहते हैं कि रस्ते, हमने देखा था कि जब रस्तों की, दुर्ग निवेश की जब बात आ रही थी कि फोर्ट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करो, तो कौन कहाँ रहना चाहिए, रस्ते कैसे होने चाहिए, डरा, ये सब हमने उन उन चैप्टर्स में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि छोटे पशुओं के लिए जो मार्ग है वो कितना होना चाहिए, बड़े पशुओं के लिए कितना होना चाहिए, महापथ हाईवे जो है वो कितने बड़े होने चाहिए, ये जो रथ है उनके लिए पथ जो है वो कितने बड़े होने चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इन सब को भी, उन पर कोई एनक्रोच करता है तो उस पर भी दंड दिया जाएगा, या तो एनक्रोच करता है या तो उनका अवरोध करता है, ठीक है, रस्ते के बीच में बैठ के पूजा नमाज पढ़ने लगे, दिस वॉज नॉट अलाउड इवन एट दैट टाइम। आप किसी, दिस इज ऑल पब्लिक गुड, उस पे आप, आपको मन में आए ऐसे आप किसी और का रास्ता रोक के नहीं बैठ सकते, तो या तो आप उसको एनक्रोच कर रहे हो, अपने खेत वेत पे मिला दिया, ठीक है, देन ऑल्सो आपको दंड देना पड़ेगा, या उसको किसी तरीके से अवरोध कर रहे हो कि बाकी लोगों को परेशानी हो, तो भी आपको दंड मिलेगा। इन सारे तो अलग अलग, इसका छोटे रस्ते बड़े रस्ते वगैरह वगैरह का उन्होंने अलग अलग लेवल्स ऑफ दंड रखा है, कि इसमें इतना पैसा दंड, उसमें उतना पैसा दंड वगैरह। तो मार्गों को अवरोध करना या एनक्रोच करना वॉज नॉट परमिटेड, और उन सबके लिए दंड दिया जाता था। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रधान सोसाइटी थी, कृषि प्रधान सोसाइटी, जो मैं कह जो हम जानते हैं, ठीक है, तो उस केस में खेत को जो उसका ओनर है, ठीक है, या तो वो अपने खेत में बोने के समय, बीज बोने के समय बोने का काम ना करे, या उसने किसी और को लीज कर दियो वो जमीन, ठीक है, और बोने के समय वो उसको निकाल दे या उससे जमीन ले ले और खुद भी कुछ ना करे, तो उस केस में भी उसको दंड दिया जाएगा, बिकॉज आपने जमीन को वेस्ट करा, वो सीजन में आपने जमीन को वेस्ट करा, है ना, या तो आप करो ही ना, किसी और को करने दो, पर आपने किसी और को भी नहीं करने दिया, आपने स्वयं भी नहीं किया, तो उस केस में भी आपको दंड देना पड़ेगा। आई एम ऑन पेज नंबर 279, जो नेक्स्ट पेज है ना उस पे मैं हूँ। क्षेत्रिकस्य अक्षिपतः क्षेत्र उपवासस्य वा त्यजतो बीज काले द्वादश पणो दंड।
बीज काले, सोने बोने के समय आपने ऐसे किसी को निकाल दिया या स्वयं भी नहीं बोया तो वो सीजन तो वेस्ट है, इसलिए आपको दंड देना पड़ेगा। बट ऑफकोर्स कौटिल्य इज वेरी प्रैक्टिकल, है ना, कि सपोज जमीन में ही कोई खराबी हो और आप ना कर पाओ वो बीज वो बोने का वगैरह काम ही ना कर पाओ, तो जमीन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ऐसा कुछ हुआ है देन ऑफकोर्स यू आर परमिटेड, बट एज फार एज पॉसिबल ऐसा कोई कारण ना हो तो आप उसको ना यूज करो ये नहीं कर सकते। आपको इंश्योर करना है कि आपके पास अगर वो जमीन है तो आपको देना है। अच्छा, अब आपकी जमीन ले बेच का भी सवाल है। एक तो हमने देखा कि आपको जो घर आपके हैं वो घर सबसे पहले जो है वो आपको आपके आसपास ही बेचने हैं, बट देर इज अनदर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इफ वी मे। हमने तब देखा था जब वो कर कितना होना चाहिए, 1/6 वगैरह, ऐसा करो तो ट्रांजैक्शन टैक्स कितना है वगैरह वगैरह, इनकम टैक्स कितना है, ये हमने देखा था। तब हमने ये भी देखा था कि अगर ऐसा दुष्काल पड़ गया हो या आपदा आ गई हो वगैरह वगैरह, या कोई भी कारण से, देर विल बी सम विलेजेस जिसको राजा ने कहा है कि अच्छा ये टैक्स एग्जेम्प्ट है, ये जो गाँव है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो वो कह रहे हैं कि जो कर या तो लोग कर एग्जेम्प्ट है या तो जगह गांव ही टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो इसमें दोनों की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जो क्षेत्र है, घर है वगैरह वगैरह, अगर ऐसा फैमिली या ऐसा मनुष्य जो कर देता है, हु पेस टैक्स, ठीक है, ही कैन सेल हिज फार्म्स वगैरह वगैरह ओनली टू हिम हु ऑल्सो पेस टैक्स। जो टैक्स नहीं पे करते, ठीक है, जो टैक्स नहीं पे करते मतलब क्या, या तो उनको कुछ एग्जेम्पशन मिला हुआ है, या तो उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो टैक्स नहीं दे सकते, या तो उनकी प्रोफेशन ऐसे है कि उनसे टैक्स नहीं ले दिया जाता, तो आप टैक्स पेयर होकर आपको सिर्फ जो टैक्स पे करता है उसी को आप बेच सकते हो। उसी तरीके से ब्राह्मणों को हमने देखा है कि स्पेशली जो क्षोत्रिय ब्राह्मण वगैरह हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण वगैरह है, गुरुकुल है, सिखाते करते हैं, उनको बहुत सारा जो है दान में जमीन मिलती है, राजा के पैट्रोनेज से जमीन मिलती है। अब वो ये जमीन ले ले और उसको बेच दे किसी और को, दिस वॉज ऑल्सो नॉट परमिटेड। ऑफकोर्स दे कुड गिव इट, ठीक है, दे कुड सेल इट, बट फिर वो किसको, ऐसे ही जो उस प्रकार के ब्राह्मण हो जो स्वयं भी टैक्स ना भरे हो और जो ऐसे पैट्रोनेज में जमीन ले सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे को आप बेच सकते हो। ऐसे नहीं कि चलो मुझको पैट्रोनेज में मिला और मैं उसको मस्त से किसी और को बेच के पैसा बना लिया, दैट वॉज नॉट अलाउड। तो टैक्स पेयर विल सेल ओनली टू अनदर टैक्स पेयर, जिसको इस तरीके से पैट्रनेज में जमीन मिली है वो भी आगे ऐसे जो पैट्रनेज वाले जो ब्राह्मण होंगे उन प्रकार के, उसी को आगे जमीन दे भी सकते हैं या उनको उसको लीज पे रख सकते हैं या जो भी। उसी तरीके से अगर कोई टैक्स देने वाला मनुष्य हो वो जाके नॉन टैक्स देने वाले विलेज में सेटल हो जाए, गांव में सेटल हो जाए, दिस वॉज ऑल्सो नॉट परमिटेड, क्योंकि उस गांव में जो है वहां से तो कोई टैक्स लिया नहीं जा रहा है, तो विदाउट परमिशन, ऑफ कोर्स विद परमिशन कर सकते होंगे बट विदाउट परमिशन, जैसे आज यू नो वी हैव टैक्स हैवन्स कितने सारे, तो लोग क्या करते हैं जाकर वहां सेटल हो जाएंगे, वहां के रहवासी है ऐसे कर देंगे, वहां पे बिजनेस सेटअप कर देंगे और टैक्स नहीं भरेंगे, तो उनको भी मालूम है लोग ऐसे कर सकते हैं। सो दे आर सेइंग कि जो टैक्स पेयर है, जो ऐसा जो काम वाम करते होंगे और टैक्स देते होंगे, वो ऐसे जो नॉन टैक्स पेइंग गांव जिसको टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट किया गया हो वहां जाके अचानक रहने और सेटल हो जाए, नॉट परमिटेड, ठीक है। तो सम ऑफ इट इज सो इंटरेस्टिंग, है ना, कि आज हम देखते हैं कि लोग वैसे निर्णय लेते हैं। ऑफकोर्स ये विद इन एक ही राज्य के अंदर की बात चल रही है, आज हम जो देखते हैं वो अलग है बिकॉज क्रॉस बॉर्डर चीजें हो गई है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर हो गई है, तो हाउ डू यू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, ये सब एक चीज है, बट यहाँ पर भी सोचा है कि हाँ वहां जाकर वो बिजनेस कहीं और करे, वहां से पैसे भी बनाए और रहे टैक्स एग्जम गांव में, तो दिस वाज नॉट परमिटेड, तो नॉट अलाउड। उसी तरीके पर द उल्टा इज परमिटेड, कि अच्छा जो नॉन टैक्स पेइंग गांव से जो आया है वो टैक्स पेइंग इसमें जा सकता है, बिकॉज अगर वो टैक्स पेइंग में आ गया तो ऑफकोर्स ही विल ऑल्सो पे टैक्स नाउ, है ना, वहां पे वो जो भी कुछ है वो एस्टैब्लिश अपना कामकाज वगैरह एस्टैब्लिश कर सकता है, सिर्फ उसको घर इसमें है कि उसको घर वो नहीं ले सकता फॉर वट एवर रीजन, पर आगे चल के कि वो परमिशन के साथ घर भी ले सकता है, तो बेसिकली ही कैन सेटल इन अ टैक्स पेइंग विलेज एंड पे टैक्स, क्योंकि उससे भी अभी टैक्स तो लिया जाएगा गिवन दैट इज अ रहवासी ऑफ अ टैक्स पेइंग विलेज वहां पे वो काम वाम कर रहा है, मतलब उल्टा वॉज नॉट ऑलवेज परमिटेड, नहीं तो लोग जा जाके वो नॉन टैक्स पेइंग में ही रह लेंगे और राजा के ट्रेजरी को इम्पैक्ट हुआ।
तो दिस वाज आल्सो थॉट थ्रू कि वो कितने डिटेल तक सोचा है हमारे ऋषियों ने. इट ऑलवेज इज वेरी ऑ इंस्पायरिंग. ओके फिर इसके बाद ठीक है भाई अनादे आकर्षित हो. ठीक है बाकी लैंड का कुछ कुछ है पर और थोड़ा सा और डिटेल में विच आई थिंक वी कैन स्किप नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट. पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आता है ग्रामिकस्य ग्रामात तेन पार पा हाँ नहीं सॉरी सॉरी ये कि सपोज गांव का हमने हमने ये देखा ना कि काफी सारे जो निर्णय गांव से रिलेटेड है वो जो है वो गांव वाले स्वयं करते हैं. जो गांव के मुखिया वगैरह होंगे वो स्वयं से कर सकते हैं. पर अब उन मुखिया लोगों को इतना पावर भी नहीं है कि दे डिसाइड गांव में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा. तो उनके मन में आए से किसी से गुस्सा हो गया और वो कह दे कि चलो आप गांव से बाहर निकल जाओ, आप यहाँ नहीं रहोगे. तो दिस वॉज नॉट अलाउड, दे डिड नॉट हैव दैट परमिशन. ठीक है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वॉट स्टेन पारदारिकम, किसी ने चोरी की है या कोई एडल्ट्री कर रहा हो, किसी और के स्त्री पे डोरे डाल रहा हो, इस केस में आप उसको निकाल सकते हो. ठीक है या वो कन्विक्ट हो गया तो आप निकाल सकते हो. पर उसके बिना अगर आप गांव के मुखिया हो या गांव वाले मिलकर फॉर वट एवर अगर वहां का कोई बुली है वो कहे कि अच्छा इसको निकाल दो गांव से, नहीं मजा आ रहा, झगड़ा हो गया, तो दैट वॉज नॉट अलाउड. ऐसा अगर कोई करेगा तो गांव को टैक्स दंड देना पड़ेगा राजा को, अगर राजा तक वो बात पहुंचती है. ठीक है तो ऐसा भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि गांव के गांव में सॉल्व हो जाते हैं इशू तो किसी को भी उठा के आप निकाल दो या ले लो या ऑस्ट्रेसाइज कर दो, ऐसा नहीं. अनलेस एंड अंटिल ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन, द रीजन बीइंग चोर हो या कन्विक्ट हो या किसी और की पत्नी पे डोरी डालता हो, इन दैट केस यू कैन ऑफ कोर्स रिमूव देम. ठीक है फिर दिस इज फाइन, यू कैन लेट इट गो. हाँ कि अगर पास्चर लैंड है, विविध स्थल मतलब पास्चर लैंड, तो पास्चर लैंड आपके हो और ग्रेजिंग करने के लिए जो ये जो गाय है बकरी है वगैरह वगैरह औरों की बकरियां वगैरह आपके ग्रेजिंग लैंड पर अगर आपका ओनरशिप का है तो वहां ग्रेज करने आती हो, तो पर एनिमल प्रत्येक पशु के हिसाब से आप कुछ ना कुछ उसका चार्ज ले सकते हो. अगर वो कॉमन है राजा की है गांव के वालों की सबकी बेसिकली राजा के अधिकार की है तो आप पर पशु टैक्स ले सकते हो. ठीक है अच्छा अब वहां के वहां अगर वो पशु जो है वो बैठ गए और रात के वहां पे सो भी गए तो उसका आपको और टैक्स भरना पड़ेगा या दंड भरना पड़ेगा. तो ऐसा ऐसा कुछ तो ऑन पास्चर लैंड पे कैसे होना चाहिए वगैरह वगैरह है, छोटे बड़े उस हिसाब से है. पर एक चीज जो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो कहते हैं कि सपोज ऐसे अगर कोई भी कारण सर सपोज या तो उसके ओनर्स ने उनको छोड़ दिया या उन्होंने कुछ खा लिया या वो जो प्राणी भी है उन्होंने किसी और के खेत में जाके कुछ खाने का वगैरह काम कर दिया, तो भी वो कहते हैं कि आपको उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए. प्राणियों के साथ आपको फिर भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, आप उनको भगाने का काम करो. कैसे आप भगाने का काम करो कि डोरी से या लकड़ी से उनको भगाने का काम करो पर उनसे हिंसा नहीं करनी है अनलेस एंड अंटिल वो लोग मनुष्य पे अटैक करें. अगर किसी मनुष्य पे ऐसे अटैक करते हैं तो अलग चीज है बट नहीं तो आपको उन पर भी हिंसा नहीं करनी है. उनको छोड़ देना या चलो आप जाके घूम के आओ ताकि आप किसी और के खेत से भी कुछ खावा खाने का या उनको खेतों को परेशान उजाड़ने के लिए अगर ओनर भेज देता है तो ओनर को दंड मिलेगा परंतु प्राणियों के साथ हिंसा नहीं करनी. दिस इज व्हाट दे से कि इवन अभय अभय अरण्य हमने देखा था कि ऐसे अभय वन आप रखो जहां पे कंजर्व हो सके अलग अलग प्राणी. हमने उनका भी देखा था कि राजा को ऐसा भी अभय वन का निर्माण करना चाहिए. तो वहां के पशु हो वो भी सपोज बाहर आ गए हो और किसी के खेत वेत को खराब भी कर रहे हो तो भी उनसे हिंसा नहीं करनी है. जो उनसे हिंसा करेगा उसको दंड अवश्य मिलेगा अनलेस एंड अंटिल एज आई सेड कि दे बिकम वो अटैक करे और दे देमसेल्फ बिकम डेंजरस. नहीं तो हिंसा नहीं कर रही है थोड़ा रस्सी से या
लकड़ी से ऐसे उनको आप भगा दो, दैट इज इट, बट नो हिंसा इवन विद देम. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग विच आई फाउंड. ये आता है पेज नंबर 280 पर, विच इज श्लोक सेंटेंस 45-46. अभय वन मृगा परिग्रहिता भक्षयंतः स्वामिनो निवेद्य यथा अवध्य तथा परिषेध प्रतिषेधव्य. कि अगर अभय वन से वगैरह, क्योंकि उन प्राणियों को तो आप मार वैसे भी नहीं सकते, तो जो ओनर है उसको आप बोल दो, उनको निकालो बाहर, और जो ओनर को बोल दो कि आप वो लेकर निकल जाए, उनको जाने का ये प्रबंध करो. पशवः रश्मि प्रतो प्रतोदाभ्याम वारयितव्य. कि उनको आपको निकालना भी है तो ऐसे दौड़े धागे ऐसे किसी से दौड़ी वगैरह हो उससे आप उनको निकालने का प्रयत्न करो. तेषाम अन्यथा हिंसायाम दंड पारुष्य दंड. अगर बिना कारण उनके साथ इस तरीके से अगर हिंसा करी गई तो जो हिंसा कर रहा है उसको भी दंड दिखा पड़े. तो दिस इज वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. इसके आगे कि सपोज किसी ने, जो गांव है ठीक है, गांव में कोई रहने आया है तो उसको उसको फिर गांव के रूल्स के हिसाब से रहना है, हैविंग एक्सेप्टेड रेजिडेंस इन अ गांव, ठीक है. फिर वो उसका पालन ना करे तो क्या होगा, वो जो गांव के रूल्स रेगुलेशन का अगर वो पालन ना करे तो उसको फाइन देनी पड़ेगी, ठीक है. इसके अलावा सपोज गांव में कोई उत्सव वगैरह हो रहा है, कोई कॉमन काम हो रहा है, या जैसे कुछ यू नो सामान्य पब्लिक गुड्स का कुछ काम हो रहा है, या उत्सव वगैरह हो रहा है जो गांव सब लोग एकत्रित होके करते हैं, तो उसमें भी इफ ही चूजेस नॉट टू पार्टिसिपेट, इधर आप मटीरियली पार्टिसिपेट करो, खाना वाना दे के, ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, या परिश्रम करके करो वगैरह वगैरह, तो उसमें अगर आप ऐसा कुछ भी ना करो तो भी आपको दंड देना पड़ेगा. यू विल बी लायबल फॉर अ फाइन अगर आप गांव में आने का एक्सेप्ट करके ये गांव के जो उत्सव वगैरह या कोई भी पूजा हो रहा है, बड़ा सा यज्ञ हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. बिकॉज ये सब आप देखो अभी भी हमारे सोसाइटी में जो है, मुंबई में तो स्पेशली है, मुंबई वाले जानते होंगे कि गणपति वगैरह जो होता है तो कैसे कर पाते हैं लोग, लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कमिटी बनती है एंड लोग ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, नहीं तो ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना. बड़े बड़े जो डांडिया उत्सव होते हैं वो सब अलग, या बड़े बड़े पंडाल वाले होते हैं वो अलग, बट जो छोटे छोटे घरों सोसाइटीज के अंदर जो होते हैं उसमें तो कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं होती है, पीपल कॉन्ट्रीब्यूट, है ना. अगर आप वहां रह रहे हो तो ऑफकोर्स आज आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, बट देर इज एटलीस्ट वो लार्ज है कि करना है, सम अमाउंट यू कॉन्ट्रीब्यूट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स. तो उसी तरीके से उस गांव के आप भाग हो तो कुछ ना कुछ प्रकार से आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है. अगर आप ना करो तो आप दंड के पात्र हो, उसमें तो वॉलंटियर भी नहीं है, यू आर दंड के पात्र. सिमिलरली तब कैसे था कि जो नाटक वाटक ऑर्गेनाइज किए जाते थे, नट नर्तकों को बुलाकर नाटक ऑर्गेनाइज किए जाते थे, स्टेज लगाया जाता था वगैरह, तो अगर ऐसा आपके गांव में कुछ नाटक वगैरह भी होने वाला हो, ऑर्गेनाइज हो रहा हो, और आप उसमें भागीदारी नहीं ले रहे, ठीक है, तो यू कैन चूज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, नो प्रॉब्लम. गांव के उत्सव और पूजा और अर्चना इस सब में तो आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. नाटक तो ऑफकोर्स इज वॉलंटियर, यू कैन चूज नॉट टू बी नॉट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. परंतु कॉन्ट्रीब्यूट ना कर कर आप उसको देखते हुए या आपके फैमिली मेंबर्स उसको देखते हुए पकड़े गए तो फिर आपको दंड देना पड़ेगा. तो एक तो है विथ थिंग्स विच आर नॉट वॉलंटियरी, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. द अदर आर वॉलंटियरी, यू डोंट पार्टिसिपेट बट यू वॉन्ट फॉलो ऑफ इट, दोनों आर नॉट अलाउड, ठीक है. अगर आप गांव में रह रहे हो तो आपको गांव का सदस्य बनकर रहना है. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि आपका जो गांव के प्रति जो आपका पार्टिसिपेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, वो भी आपको निभाते रहना है. और क्या, ठीक है, आई थिंक दिस पार्ट वी कैन स्किप. हाँ, और दूसरा वो आगे कह रहे हैं कि जो लास्ट है, राजा देश हितान सेतुन कुर्वताम पथि संक्रमार ग्राम शोभा च रक्षाश्च तेषां प्रियहित चरे. राजा जो है उसको गांव के हित, देश के हित के लिए क्या क्या करना चाहिए, सेतुन कुर्वताम पथिम संक्रमात,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, एक तो इंडिविजुअल तो लोग करते हैं बट राजा को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो पहले भी हमने देखा था, हियर दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग, कि सेतु बांधना, रोड्स बांधना, जो गांव है उसका सुंदरीकरण, उसका शोभा बढ़े, इस तरीके से उनको पैसे देना ताकि वो काम हो सके, ये सब में भी राजा को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? प्रिय हितम, ताकि लोगों का वो प्रिय कर सके और लोग भी उससे खुश रहे। तो ये राजा का कर्तव्य भी है, बियॉन्ड व्हाट पीपल देमसेल्व्स डू। सो दिस वाज ऑन जमीन वास्तु, उसके विवाद, उसको कैसे निपटाए वो है। नेक्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी ऑन रण, डेट। ठीक है, डेट के लिए कि किस तरीके से लेंडिंग वेंडिंग जो होती थी उसके क्या रूल्स रेगुलेशन थे, क्या क्या उसमें देखा जाता था, तो वो हम अगला अगले सेशन में करेंगे। वी आर बियॉन्ड टाइम बट हमको थोड़ा सा लेट भी हो गया और थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, तो इट्स ओके। किसी को कुछ कहना है बिफोर वी क्लोज? वी कैन टेक 5 मिनट्स टू डिस्कस। या आई वुड लाइक टू से समथिंग जो मुझे ऐसे लग रहा था। सी ऑल थ्रू वी हैव बीन डिस्कसिंग, और जैसे कि हमने देखा ना कि इस ऐसे विवाह, ऐसे डिस्प्यूट्स, मतलब एंड वी लुक्ड एट इट फ्रॉम एन एंगल कि सोसाइटी में ये चीजें गलत होती थी, इसलिए इनको रोकने के लिए ये सब लाया गया। वी बीन ऑलवेज सेइंग कि तभी ऐसा होता था, तभी ये प्रॉब्लम्स थे, तभी ह्यूमन ऐसे थे। बट आई एम थिंकिंग अदर वे टू लुक एट इट इज कि देवर इवॉल्व, जैसे हम कहते हैं ना वेदों की वाणी जो थी, वेदों में जो बताया गया था, दैट वॉज हाउ टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ, ये था। तो इट इज प्रोबेबली नॉट एग्जैक्टली, इट माइट नॉट बी एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिवेंशन, सॉरी रेक्टिफाइंग, बट एक्चुअली प्रिवेंशन। कि वो ऐसा भी एक एंगल हो सकता है कि व्हाट इज राइट फॉर द सोसाइटी, लेट इट डिसाइड, लेट अस डिसाइड दैट रादर देन अरे कुछ गलत हो रहा है तो ऐसे फिक्स करना है। यू नो दैट दैट वुड बी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दीस थिंग्स। और वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, योर पॉइंट इज वेरी गुड, बट देन वी आर इस केस में ना, आई एम श्योर कुछ कुछ चीजें जो है आप पहले से सोच के सकते हो कि अच्छा वो क्या सोच रहे हैं कि अ मैन, मनुष्य जो है वो ये सारे फॉलीज कर सकता है। या तो वो ऋषि है, वो इतने सारे महान थे सारे कि देखो ऑलरेडी परसी, हाँ, तो कि इतनी सारी गलती करना चाह रही थी एक्चुअली। अमी जी, दैट वाज द थॉट दैट आई वाज ट्राइंग टू कंप्लीट, वाज कि कौटिल्य कहते हैं ना कि उन्होंने तो ये कोलेक्ट किया है, दिस हैज बीन कमिंग फ्रॉम शुक्राचार्य, बृहस्पति। तो सोचिए जब बृहस्पति थे तो दैट टाइम कितने मनुष्य होंगे, कितने फॉलीज हुए होंगे, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि क्या गड़बड़ियां हो सकती है डाउन द लाइन। हाँ, बट आप इसको ऐसे सोचिए, व्हाट इज मोर प्रैक्टिकल, ये चीजें भी इवॉल्व हुई है ना, इतने सारे धर्म ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्या थी? इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन। जब हमने वो जो फिनेंशियल फ्रॉड्स का देखा था, उसमें 40 तरीके के फ्रॉड्स इन्होंने बताए थे कौटिल्य ने, ठीक है। नाउ आई डोंट नो इफ इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम समवेयर एल्स, बट क्लियरली वो एड होके हुए होंगे लोगों के एक्सपीरियंसेस और उसके हिसाब से। सो ऑफ कोर्स इधर दे आर ऑलरेडी, इट्स अ कॉम्बिनेशन। हां, जैसे ये पशु वाला जैसा था ना कि उनको आप मारो मार, तो ये सर आई थिंक कि एक तरीके से जीवन जीने के लिए what is good for environment, you know, so these things might have been like preempted. Correct, this I'm with you. So on some of the values and stuff it's different, for sure. Main crime ki baat kar rahi thi, so this to of course I fully agree with you ki ye kuch kuch cheeze to aise nahi ki they are waiting for people to hit animals. These are the value systems of the society ki aap kaisa samaj chahte ho where you coexist with the pranis as well. इसलिए तो अभयारण्य सेटअप करने की भी बात पहले ही हो चुकी है। दैट ऑलरेडी सेट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी इज, कि आप ऑलरेडी जो प्राणी कंजर्वेशन की भी बात कर रहे हो, तो आई एम फुल्ली विथ यू ऑन दैट। हाँ जय, आई नो I know that we are discussing about the vastu related things. तो जैसे बताया कि
जहां पर टैक्स नहीं है वहां पर वो कोई लैंड बाय नहीं कर सकते. सो आई एम क्यूरियस, वैसा कोई दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी लिमिटेशन था क्या कि लेट्स से इफ देयर इज अ टैक्स एग्जेम्पशन ऑन सम प्रोडक्ट्स दे कैन नॉट बाय इट फ्रॉम यू नो दैट काइंड ऑफ अ प्लेस. इफ आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहां पर टैक्स है, सो लेट्स से इफ आई एम बाइंग ऑर्नामेंट्स और कहीं और पर वहां पर टैक्स नहीं है, सो कैन आई डू दैट, ऐसा कोई मेंशन किया था क्या? ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया है. बिकॉज व्यापार इज अलाउड ना अक्रॉस, कहीं से पर भी आप आए हो तो आप व्यापार. तो हमने जो उसमें देखा था वो कैसे था कि पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर टैक्स लगता है. अब वो कहाँ से आए हैं उसके बेसिस पर भी, क्योंकि वो सील लगती है एंड दे विल सी द ये सी द वैल्यू ऑफ इट और उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा. तो उसमें क्लियरली ऐसा नहीं दिया गया है कि अगर टैक्स एग्जेम्प्शन हो तो आप, 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 आप कर सकते हो कि नहीं. So उस टाइम पे भी they can do an SEZ, they can still do an SEZ in that time. Oh, nice. Absolutely, they can do an SEZ. So I had a question on the so एक श्लोक का मुझे इस कॉपी में तो ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है मेरी. एक दे हैव अनदर मराठी कॉपी दैट हैज अ ट्रांसलेशन ग्रामा धनुष शतात ऐसे 30th श्लोक में है एंड द ट्रांसलेशन सेज वो ग्राम के आसपास देयर विल बी अ फेंस ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 100 धनुष. सो आई वाज वंडरिंग वो धनुष का क्या वो धनुष का पता है हम जब वो मेजरमेंट्स कर रहे थे तो उसमें दे हैड गिवन कि कितना हाथ इज अ धनुष. I don't remember now, पर उसमें वो दिया था कि कितना हार becomes a धनुष. तो accordingly we can see वो क्या आता है. I don't exactly remember that parameter right now. But उसमें उन्होंने क्या किया था कि छोटे से बड़ा कि इतना 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 ऐसे करके आप करते जाते हो और फिर इतना जो डिस्टेंस है वो उतना हाथ will be a धनुष. इतना धनुष is typically one human being का लेंथ वगैरह वगैरह उसमें वो सब था. So isn't this a lot, 100 of these would be a pretty big distance, right? To put a boundary. And what about the next village also? Then they will, so overlap nahi hoga shayad, I guess, maybe the planet that way. That'll be the next one, exactly. अच्छा ये सारे गाइडिंग फैक्टर्स है ठीक है. वी शुड रिमेम्बर दैट ये सारे गाइडिंग फैक्टर्स है. ऐसा नहीं है कि 100 धनुष होना चाहिए. दिस इज आइडियल है कि हाँ पर छोटा बड़ा हो सकता है. अगर देयर इज अ नेचुरल बाउंड्री तो आपको ये 100 धनुष करने की आवश्यकता नहीं है. बट अगर आइडियली दे आर सेटिंग अप समथिंग न्यू देन दिस इज हाउ दे कैन प्लान फॉर इट. And does this apply, they had urban cities then too, right? Did it apply to the city as well? And then did they probably didn't grow the rate of how Mumbai I think this is more grow. About gram. Because the city is, na, usme to unhone already alag se aur bhi bada ye kiya hua hai ki kaun kahan pe rahega wagere wagere aur wo durg usme kahan par hoga wagere. Uska to pura city planning humne shuruaat mein dekha tha. Durg nivesh. This is specific to gram. Kyunki nagar जो वो लोग नगर कह रहे हैं ना उसका जुडिशरी इज ऑल्सो डिफरेंट. उसमें ऐसा नहीं है कि गांव के नगर के लोग मिलकर डिसाइड करें. उसमें तो वो प्रॉपर जज वज की बात आती है. गांव का अलग है एंड दे आर टॉकिंग ग्राम एवरी टाइम. तो एज आई अंडरस्टैंड वो स्पेसिफिकली गांव की ही बात करें. बट गांव बहुत होते थे, नगर एक होता था. जैसे अगर हम कोस्टल देश की बात करें हम अयोध्या 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 करते हैं. अयोध्या वॉज ए नगरी. बट नगरी के आसपास बहुत सारे गांव होते थे जहां पर खेती वगैरह होती है. नगरी के अंदर आई एम गेसिंग खेती इतनी ज्यादा नहीं होती. इट इज मोर अ व्यवहार बिजनेस वगैरह वगैरह का. ये कि ट्रेडिंग होगा, मेटल का काम होगा, यू नो सारा ये रथों का काम होगा, ज्वेलरी का काम होगा, व्यूइंग काम होगा. तब हमने ये सब देखा था. जो फैक्ट्रीज की हमने देखी थी बात, वो सारा जो है वो अधिकतर ट्रेडिंग ये सारा जो है वो नगरों में होगा. और जहां पर खेतर वेतर सारे होते थे वो सब बाहर होता था. सो आई एम श्योर द गांव्स आर इवन मोर देन द नगरी. देयर यूज्ड टू बी वन और टू बिग नगरीज पर बाकी गांव ही अधिक होते थे. और यहाँ पे ग्राम मतलब गांव की ही बात हो रही है. ओके दैट मेक्स सेंस. थैंक यू. हाँ Rohit is missed. Yes, but of course. Okay, तो आज का एंड करें.